I wanted the growth, but not the struggle. I wanted the success, but not the pain. I wanted the victory, but not the fight. These are some powerful words by Mark Manson. अगर इन्हीं शब्दों को आपके सामने हिंदी में बहुत सरल भाषा में रखूं, तो मुझे लाइफ में चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन करूंगा मैं कुछ नहीं. एंड वही साइकोलॉजी है हम में से 99% लोगों की. अगर हम किसी भी नेटवर्क में जाते हैं, वी फाउंड एटलीस्ट 99% ऑफ द पीपल इन दैट कोहॉर्ट जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल, दे वॉन्टेड टू टॉप इन देयर क्लास, देन टू एंटर अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, देन टू मैरी अ वेरी ब्यूटिफुल एंड सक्सेसफुल वुमेन, एंड टू एक्सेल इन देयर करियर्स ऑल्सो. लेकिन ओनली 1% ऑफ अस आर एबल टू मेक इट. वट इज द डिफरेंस बिटवीन 99% ऑफ द एस्पायरेंट्स इन एनीथिंग एंड दैट 1% सक्सेसफुल पीपल्स पूल. आज हम उन्हीं सारे ग्रोथ पैरामीटर्स के बारे में बात करने वाले हैं. आई हैव फिगर्ड आउट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पैरामीटर्स एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग देम टू यू सो दैट यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट मोस्ट ऑफ देम एंड टू गेट अ बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इन योर लाइफ. हम सब लोगों को गंगाधर से शक्तिमान तो बनना है, लेकिन हम उस चीज़ के लिए काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं है. वी बिलीव इन अ वेरी सिंपल साइकोलॉजी, टॉक मोर एक्ट लेस. और हमें से ज़्यादातर लोग इसी चीज़ में अटके हुए हैं कि हम अपने लिए एक शेड्यूल तैयार करते हैं. हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ऊर्जा स्टार्टिंग के 10-15 दिन दिखाई देती है किसी भी काम को स्टार्ट करने के बाद, लेकिन आफ्टर दैट वी आर नॉट इवन एबल टू कंटिन्यू दैट वर्क और टू फिनिश दैट वर्क. लेकिन आज हम कुछ ऐसे पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसे सुपर पावर्स के बारे में जानेंगे जो आप सब लोगों के अंदर मौजूद हैं. हम लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि ज़िंदगी में सफल सिर्फ वही हो सकता है जिसके पास कुछ इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ हों, जो ऑलरेडी कुछ ऐसा लेकर पैदा हुआ है जो शायद हमारे पास नहीं है. एंड हम लोग अपनी ज़िंदगी इसी डायलेमा में गुजार देते हैं कि सामने वाला अगर सक्सेसफुल है, देन ही माइट बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ जड़ी बूटी या जन्म गुट्टी जो कि हमें नहीं मिली, एंड वी आर नॉट एबल टू मेक दैट अप. सो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहली चीज़ के बारे में, दैट इज़ डोमिनेंस एंड इंटेलिजेंस. अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट आप लोग हैं, देन यू आर मोर डोमिनेंट एंड यू आर मोर कैपेबल देन 1.2 मिलियन ऑफ एग्जिस्टिंग एनिमल स्पीसीज ऑन अर्थ. एंड बीइंग होमो सेपियंस वी कैरी सम सुप्रीम पावर्स. हम लोगों के पास एक पावर है सेल्फ कॉन्शियसनेस की, यानी वी हैव अ पावर टू मेक आवर ओन डिसीजंस एंड वी कैन इवन इम्प्रूव दैट कैपेबिलिटी एंड वी कैन टेक बेटर डिसीजंस विद टाइम. ये जो पावर है ये आप लोग तब अनलॉक कर सकते हैं जब आप अपने आसपास की सिचुएशंस को ठीक से एनालाइज करने लग जाएं एंड आप अपने प्रायर एक्सपोजर से काफ़ी सारी चीज़ें, प्रायर एक्सपीरियंसेस से काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाएं. एंड ये जो चीज़ है इंटेलिजेंस, ये हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है एंड इन ऑल ऑफ अस, नन ऑफ यू इज एन एक्सेप्शन. हम सब लोगों के पास 1350 सीसी का एक दिमाग है विच इज़ इक्वल, बट द वे वी यूज़ इट इज़ डिफरेंट. And that's what make us different. That's what make a different cohort of successful people and an unsuccessful, underconfident and different kind of people जो कि life में उतना ज़्यादा कुछ नहीं achieve कर पाते. Second important thing is our belief system जो कि हमारे इस बहुत complex मस्तिष्क की ही देन है. But the most important part is this belief system is flexible. एक रिसर्च हुई थी इंडिया के ही कुछ साइंटिस्ट ने वो रिसर्च करी थी एंड दैट वॉज पब्लिश्ड इन द इंडियन साइकाइट्री जर्नल. And that research was named as biochemistry of belief. उस scientific research article के अंदर ये बताया गया है कि हम अपने आस पास काफ़ी सारी information जो पड़ी हुई है उसे sense करने की काबिलियत रखते हैं via our sense organs. कोई भी stimulus अगर आपके sense organ पर टकराता है तो आपके brain तक पहुँचता है and frontal lobe में, यानी कि information processing center में जा कर के आपको एक query देता है. आप इस belief system को change कर सकते हैं with time. यानी आर बिलीफ सिस्टम इज फ्लेक्सिबल, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी वुड लाइक टू डिस्कस अपॉन. यानी आज अगर आपने एक रिजिड बिलीफ सिस्टम तैयार कर लिया है अपने लिए कि आई एम वेरी बैड एट मैथ, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं विद इन अ ईयर, विद इन 6 months बाय वर्किंग अपॉन मैथ्स. क्योंकि आप अपने दिमाग में जो क्वेरी डालेंगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. हमारे जो इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं रिलेटेड टू आर बिलीफ सिस्टम, उनके जो मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर हैं, they are quite flexible in terms of sensitivity and confirmation. यानी हम अपने brain के अंदर आने वाली information को खुद control कर सकते हैं. और अगर हम ये करना सीख गए then we will get rid of most of our problems. क्योंकि ज़्यादातर जो problems हमें होती हैं that are just because of anxiety, panic and overthinking. Let me just give you a very classic example of overthinking. मेरी शादी Miss Universe से होने वाली थी, मैं अपने मंडप पर खड़ा ही था और तभी अचानक से आकर जादू ने मंगल ग्रह से मेरे ऊपर अटैक कर दिया.
और जादू से बचने के लिए मुझे अपने असली रूप में आना पड़ा और मुझे लोगों को बताना पड़ा कि मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक सुपर ह्यूमन हूँ, एक सुपर पावर कंटेन करने वाला सुपर हीरो हूँ जिसका नाम है कैप्टन हरियाणा। और हम लोग फिर बहुत ज़्यादा केओज में फंस गए थे, मैंने वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को बचाया। अब इस पूरी की पूरी कहानी में कुछ भी बात सच नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग की उपज है और मैं अपने दिमाग की उपज को किसी भी लेवल तक ले जा सकता हूँ। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल क्वेरी दैट आई हैव फीडेड इन माई ब्रेन। अगर मैं अपने दिमाग को एक क्वेरी देता हूँ कि अगर रिया का कल मुझे मैसेज नहीं आया एंड आई वॉन्ट टू टेक दैट पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन इन अ नेगेटिव अकाउंट, तो मैं उस पर काफ़ी सारे आंसर्स क्रिएट कर सकता हूँ। शायद वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मूवी देखने गई है, शायद वो किसी और के साथ बिजी है, एंड अल्टीमेटली आई कैन गेट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं उसी चीज़ को पॉजिटिवली देखता हूँ तो मुझे काफ़ी सारे पॉजिटिव आंसर्स मिल सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट द वेरी सेम स्ट्रेटजी इन योर लाइफ बाई एडिंग वन वर्ड आफ्टर एवरी नेगेटिव स्टेटमेंट, एंड दैट वन वर्ड इज बट। लेट मी जस्ट गिव यू सम रेफरेंसेज। आई लॉस्ट माई जॉब बट आई मे गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, आई मे गेट अ बेटर रोल, आई मे गेट अ सैलरी विद बेटर हाइक। जब आप बट लगाते हो तो आप सोल्यूशंस के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो। एंड सिमिलरली आप जब भी कुछ नेगेटिव सोच रहे हो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट अ पॉजिटिव थिंकिंग इन बिटवीन दैट। उसके बाद आपका दिमाग एक लेयर बनाना स्टार्ट कर देगा अबव दैट पॉजिटिव थॉट दैट यू हैव टेकन इन योर माइंड। क्योंकि दिमाग की काम करने की जो क्षमता है वो इसी तरीके से डिज़ाइन की गई है कि आपका जो इनिशियल थॉट है वो आपकी पूरी की पूरी कहानी को डिसाइड करता है। अगर आपका इनिशियल थॉट नेगेटिव है तो आप नेगेटिव दिशा में ही सोचते चले जाएंगे और आप वर्स्ट केस सिनेरियो तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपका दिमाग पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव दिशा में ही सोचते रहेंगे और एक आउटकम तक पहुंच जाएंगे, एक रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे जहां पे आपको काफ़ी सारी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे दिमाग के बारे में जो हमें और जाननी चाहिए, जैसे द पावर ऑफ ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग। एड डाइनर नाम के एक साइंटिस्ट ने जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस थे, उन्होंने बताया कि जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं अपनी लाइफ में उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द पीपल हु हैव अ नेगेटिव माइंडसेट। यानी अगर आप एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं तो आपके ग्रोथ के चांसेस, सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप लाइफ में ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, आप लाइफ में ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, आप लाइफ में ज़्यादा वेल्दी रहेंगे और वाइज भी रहेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं रिसर्च प्रूवन बेस्ड फैक्ट्स के आधार पर आप लोगों को बताई जा रही हैं। सो वी शुड ऑलवेज मेंटेन एन ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट। देन कैरोल ड्वेक हैज़ रिटन अ बुक कॉल्ड माइंडसेट इटसेल्फ। उसमें उन्होंने बताया है कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि मैं किसी भी स्किल को सीख सकता हूँ मेहनत करके, वो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं रेदर देन सम ऑफ द एस्पायरेंट्स विच आर हैविंग एन इनहेरेंट कैपेबिलिटी। जैसे कुछ लोग जब पैदा होते हैं और थोड़े से बड़े होते हैं तभी उन्हें एहसास हो जाता है दैट दे आर वेरी गुड इन म्यूज़िक, कि उन्हें म्यूज़िक परफॉर्म करना अच्छा लगता है, उन्हें गाने गाना पसंद है, उन्हें डांस करना पसंद है या आर्टिस्ट बनना है उन्हें। सम ऑफ अस आर एबल टू डिफाइन दैट एट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ आर लाइफ, बट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट इवन एबल टू डू दैट इवन वेन वी आर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। सो दिस इज द स्टेट ऑफ डायलमा विच इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस इन मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। उस स्टेट ऑफ डायलमा से बचने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, अगर आपको कोई भी स्किल ज़्यादा पसंद है तो आप उसे अपने ऊपर काम करके सीख सकते हो। अकॉर्डिंग टू द कैरोल ड्वेक, उन्होंने कहा कि आपकी जो स्किल्स हैं दे आर जस्ट लाइक योर मसल्स। जैसे आप जिम में जितना ज़्यादा वर्कआउट करोगे आपकी मसल्स उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, उतनी ज़्यादा पावरफुल होंगी। सिमिलरली आप अपनी किसी भी एग्जिस्टिंग स्किल पर या नॉन एग्जिस्टिंग स्किल पर अगर काम करोगे तो आपकी वो स्किल्स भी विद टाइम और बेटर होती जाएंगी और आपको बेहतरीन आउटकम्स भी उन स्किल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। देन द लास्ट थिंग इज सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस। एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक्सपेरिमेंट हुआ था अमेरिका में जिसे हम कहते हैं मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट, विच वॉज डन बाय वॉल्टर माइकल। मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को दो ऑप्शंस दिए गए। आपके सामने कुछ मार्शमेलोज हैं, यू कैन टेस्ट दैट मार्शमेलो, यू कैन ईट दैट मार्शमेलो अभी एकदम इंस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, या फिर अगर आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाते हैं, अगर आप थोड़ी देर और वेट करते हैं तो आपके मार्शमेलोज को डबल कर दिया जाएगा। यानी अगर आप अभी मार्शमेलो खाओगे तो सिर्फ एक मिलेगा, लेकिन अगर कुछ टाइम बाद मार्शमेलो खाओगे तो आपको दो मार्शमेलोज मिलेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपने मार्शमेलो को तब की तब खा लिया और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पेशेंस दिखाई, सेल्फ कंट्रोल दिखाई, अपने सेल्फ एल्योर के ऊपर उन्होंने कंट्रोल पाया। एंड 10 साल बाद जब इस रिसर्च के परिणामों को देखने के लिए साइंटिस्ट वहां पर पहुंचे, वॉल्टर माइकल वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने पाया
कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाई थी, दे वर कंपैरेटिवली मोर सक्सेसफुल इन एकेडमिक्स, इन मैनेजिंग देयर फाइनेंसेस, इन मैनेजिंग देयर हेल्थ एंड इन मैनेजिंग देयर एसेट्स ऑल्सो। यानी अगर हम अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू पा लेते हैं, अगर हम धैर्य के साथ, संयम के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड पैरामीटर। देन द बिगेस्ट वन इज ग्रिट। द ग्रिट is called as the ability to work again and again even if you are getting a series of continuous setbacks. Agar aap ek kaam ko bahut shiddat se karne ki koshish kar rahe ho lekin tab bhi aapke haath mein failures ke alawa aur kuch nahi lag raha hai, but then also you are trying again and again, you are trying hitting hard every day, you are focusing upon your goal, and agar aap bahut hi zyada acche tarike se apne kaam ko samajh chuke hain with practice, to ek time ke baad आपके आइडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है एंड देर आर वेरी गुड चांसेस ऑफ यू गेटिंग सक्सेस। एंड दैट्स व्हाई ग्रिट को इतना पावरफुल माना गया है कि नेचुरल एबिलिटीज इसके आगे कुछ नहीं है। कहा जाता है कि अगर एक इंसान के अंदर ग्रिट बहुत ज्यादा है तो बहुत बड़ी बड़ी नेचुरल एबिलिटी से रिलेटेड क्वालिटीज जैसे IQs कुछ खास रोल अदा नहीं करती आपके सक्सेस में। यानी अगर आपको सक्सेस की भूख है, अगर आप बहुत ज्यादा ग्रोथ सेंट्रिक माइंडसेट रखते हो, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो, अगर आप चीज़ों को एक बेहतर दायरे से सोचने की क्षमताएं रखते हो और अगर आप उन चीज़ों को सोच करके एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी भी रखते हो, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट योरसेल्फ टारगेटेड टू योर गोल एंड टू अचीव इट एज वेल। लाइफ में काफ़ी सारे इंस्टेंसेज ऐसे आए जब मुझे भी दो चॉइसेस लेनी थी एंड आई हैव टेकन द बेस्ट चॉइसेस फॉर माई सेल्फ विद अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड विद अ काम माइंडसेट। माई मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम यूटराइन इन्फेक्शन एंड माई फादर इज अ कार्डियक पेशेंट, so I need to drop from the research college that I have taken admission into. At that time, I was having two different options. The very first option is to cry, and the second option is to look for some better opportunities and look for some things that I can work upon. So I have worked upon some of my skills in the free time. Main bahut zyada college nahi ja pata tha, and my college mates were very supportive that they used to help me throughout. So बहुत ज़्यादा कॉलेज ना जाने की वजह से that interaction was broken with a lot of people. So I grew as an introvert in school also and in college also. But I decided to work upon a medium that can make me interact with the world. And that platform was a digital platform. जिस पर मैंने अपने lectures बना करके upload करना start कर दिया, starting from the phase when I was just 17 years old, 18 years old, to the current scenario where I am serving more than 3 lakh aspirants and I am making their dreams come true. I am mentoring the first year MBBS students, I am mentoring the NEET aspirants, and I have reached to a place where I got a lot of accolades. I was not very good in academics when it comes to my early career. Jab main school mein tha to main bahut zyada ek bright star nahi tha class ka, lekin I decided when I was in my senior secondary classes ki I need to ponder upon this, I need to do something, otherwise I'll be a part of that 99% pool jiska part mujhe abhi nahi banna hai. I need to go to that 1% pool. And when I tried implementing all those set of brain workouts, तो मेरी life में चीज़ें change होने लगी. I was awarded with the Young Scientist Award. I have written 5 different books. I have written different research articles which were published in international journals of repute. So doing a lot of things, representing India in Global Student Prize. The whole scenario started with a single thought. And when you get that single sparkling thought, जैसा मैंने कहा कि हमारे दिमाग की क्षमता है किसी भी initial thought के ऊपर layerings बनाने की. अगर आपने अपने लिए एक गोल सोच लिया है और आप उस पाथ पर निकल पड़े हो, तो आपको रास्ते में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स ज़रूर दिखाई देंगे जो कि बहुत बेहतरीन हैं, जो कि आपकी लाइफ को और ज़्यादा अलाइन कर देंगे, जो कि आपकी कंसिस्टेंसी को और ज़्यादा बूस्ट करने में हेल्प करेंगे, एंड आपकी जो अपने गोल के बारे में सोच है वो और ज़्यादा पक्की हो जाएगी. आप और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझने लगेंगे विद टाइम, एंड द चांसेस ऑफ यू टू गेट सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर गोल इनक्रीजेस. यही सारी चीज़ें हमारे साथ हुई, बट द थिंग दैट आई वुड लाइक टू कन्वे बाय माई टॉक इज दैट आई हैव नॉट डन एनीथिंग स्पेशल. आई जस्ट एनालाइज सम ऑफ द थिंग्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन मी एंड विच आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू. यू ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर ब्रेन, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यू कैन ऑल्सो यू नो वर्क अपॉन योर सेल्फ टू गेट बेटर एवरी डे. मुझे नहीं पता कि मेरे क्रेडेंशियल्स इतने अच्छे हैं या नहीं कि मैं यहाँ पर आकर आप लोगों को ज्ञान दे सकूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई एम 100 टाइम्स बेटर देन द प्लेस वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम. एंड इफ वी विल बी मीटिंग आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर,
I am damn sure that I'll be 100 times more better than what I am today. Please make sure to give your brain an initial query, जहाँ से आप काम करना start करें. Initial query should be very positive and it should be full of optimism and solution centricity. जहाँ पर आप किसी problem का solution ढूंढ रहे हो, आपका दिमाग इतना काबिल है कि वो अपने आप उस solution के आगे के रास्ते आप लोगों के लिए खोल देगा. आपको सिर्फ उस path पर चलना पड़ेगा. And it's all about taking some realistic actions. It's not about thinking, because all of us are thinking at least more than 60,000 thoughts a day, according to our data. लेकिन हम लोग किसी भी thought के ऊपर काम करना तब start कर देते हैं जब हमें हमारे thoughts के ऊपर conviction आना start हो जाती है. That conviction is really important. And that will only come जब आप लोगों को अपने goal पर बहुत ज़्यादा भरोसा होगा और आप जब बहुत time लेकर एक goal अपने लिए set करेंगे. टेक योर टाइम, आराम से सोचिए, आराम से बैठिए, सीक हैप्पीनेस, सीक ग्रोथ एंड सीक सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम योर लाइफ, बिकॉज दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस. सो इफ आई कैन डू इट, एवरी वन एल्स कैन ऑल्सो डू इट, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ बच्चा मैंने अपने करियर में अभी तक नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं था. सो इफ आई हैव मेड इट टू दिस प्लेस एंड इफ आई एम ऑलरेडी मेकिंग इट, आई एम इन बिटवीन माई पाथ, आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई जर्नी, तो यू कैन ऑल्सो डू इट. And I would like to wish you all a great luck forward. And if you will be implementing those qualities, for sure you'll be getting the best results and best outcomes possible. Thank you.